अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आपका स्वागत है अर्थ प्रकाश के प्रोग्राम चुनावी दंगल के अंदर। जैसे आप सबको ज्ञात है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ही दिल से चाहा और अपने सुजेशन भी हमें भेजे। हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने आपको पहले दिन ये बात बता दी थी कि हम इस प्रोग्राम के अंदर वो तथ्य राजनीतिक विश्लेषण हरियाणा के वो रखेंगे और जिसमें पुख्ता सबूत हमारे पास होंगे, वही चीज़ हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और एक बात हम आपको और कह देना चाहते हैं कि ये हमारे व्यक्तिगत सुझाव नहीं है, ये वो सुझाव है जो सुझाव हमें हरियाणा की जनता ने दिए। हमारा सिर्फ इसमें व्यक्तिगत तौर पर हमारा एक्सपीरियंस है 12 साल का जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट पर। जैसे आपको ज्ञात है कि इलेक्शन चुनावी माहौल शुरू हो चुका है तीनों राज्यों के अंदर। चुनाव आयोग किसी भी वक्त आचार संहिता लागू कर सकते हैं तीनों राज्यों के अंदर, और बीजेपी का मैनेजमेंट और कांग्रेस का मैनेजमेंट हरियाणा महाराष्ट्र झारखंड के अंदर शुरू हो चुका है। जहां तक मैनेजमेंट की बात है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विपक्षी पार्टियों से आगे है। वो किस तरह से आगे है, अब हम आपको इसको हम आपको तरतीब बाई बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे जो खूबी ये है कि कार्यकर्ता एक हैं, अनुशासन पार्टी है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोहतक में आए थे, उसके दो दिन बाद ही उन्होंने अपने विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक माइक्रो मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत एक सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिसका सबसे बड़ा धारण ये है कि इन्होंने अपने पन्ना प्रमुख जो बूथ लेवल पर हैं, उन्होंने पहले ही उन्होंने 3 लाख पन्ना प्रमुख जनता के बीच में भेज दिए। यानी आज की डेट के अंदर अगर हरियाणा के अंदर जनता तक कोई पार्टी पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहले बात ये आती है कि कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत दुविधा ये आ रही है कि ये आ रही है, चाहे हाईकमान कांग्रेस हो, चाहे हम बात करें स्टेट लेवल की कांग्रेस की। पहले हम हाईकमान कांग्रेस की बात करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि कल को गुरुवार के दिन कांग्रेस की कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जी थे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा थे, राहुल गांधी जी उसमें वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। और उस बात में यहाँ पर ये देखने को मिली कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी ने तीनों राज्य पर चुनाव पर बात करने के लिए कोई, अब हम कह सकते हैं कि ओपनली तौर पर कोई स्टेटमेंट देने से परहेज किया। और जो सेकेंड बात है कांग्रेस पार्टी की, वहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी आज सदस्यता अभियान शुरू करे। इसका मतलब यह कि कांग्रेस को भी पता चल गया है कि सदस्यता के दम पर ही वो अगला इलेक्शन लड़ सकेगी, कार्यकर्ता के दम पर ही अगला इलेक्शन लड़ सकेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने भी आज सोच लिया है। और सबसे बड़ी बात एक देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि जैसे कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को CLP लीडर बनाया गया, शैलजा जी को पार्टी प्रेजिडेंट बनाया गया, अब वक्त ये वही बात बार बार लोगों के जहन में भी आ रही है कि इतने कम समय में ये किस तरह से सभी नेताओं को एकजुट कर आने वाली जंग के लिए तैयार करेंगे। ये सब बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात एक देखने को मिलती है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक RSS एक संगठन है। कांग्रेस की बात भी हम देखें, कांग्रेस के पास भी सेवा दल है, लेकिन वो सेवा दल RSS के मुकाबले उतना सक्रिय नहीं हो सका। इसका भी कारण क्या है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सदस्यता अभियान शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं लोकसभा के अंदर कांग्रेस की पोजीशन है जो, अब देखने को मिलता है कि जब धारा 370 की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए धारा 370 को खत्म करने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अंदर भी लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी बटी बटी दिखाई दी। कोई सदस्य इस पर क्या स्टेटमेंट दे रहा था, कोई स्टेटमेंट क्या दे रहा था, उसके अंदर भी अब देखा जाए कांग्रेस 270 धारा के ऊपर भी सरकार को घेरने में नाकामयाब रही। अब सेकंड बात हम बात करते हैं जो मेन जो मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सबको जग जाहिर है। GDP डाउन जा रही है और लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी जैसे जो अर्थशास्त्री हैं, जिनको पूरा विश्व जानता है, वो भी आज चुपचाप बैठे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी वो पूरी तरह से सरकार को नहीं घेर सके। और तीसरी बात जो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने CBI ED ने छापे मारे, चिदंबरम जी कांग्रेस के बड़े नेता जेल चले गए, उस समय भी कांग्रेस एकजुटता का अभाव दिखाई देने लगा। वहाँ पर भी उन्होंने एक स्टैंड लेकर उसका प्रॉपर तरीके से साइड, चिदंबरम जी की साइड नहीं ले सके। अब ये बहुत चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि कांग्रेस
को इस बारे में सोचना पड़ेगा। अब स्टेट की बात लेते हैं, कांग्रेस के अंदर ये देखने में आता है कि जो स्टेट लीडर हैं वो पहले अपने प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करते हैं, फिर हाई कमान से बात करते हैं, फिर वो बातचीत करते हैं अपने राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो दूसरी पार्टियों के लीडर्स हैं उनसे वो मुकाबला करते हैं। तीन तीन जंगें लड़नी पड़ती है कांग्रेस के लीडर्स को। अब ये सभी अगर चीज़ें देखी जाएं तो ये क्यों हो रहा है, लेकिन आज की डेट में अगर हम कहें तथ्यों के हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, उस एक इलेक्शन का एक टेम्पो होता है, जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस लोग होते हैं एक इलेक्शन एक टेम्पो में चलते हैं, ग्राफ होता है जो ग्राफ चढ़कर उसके बाद कांस्टेंट होना जरूरी होता है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी इन तीनों पार्टियों से आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जो भी कुछ कहें हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन अनुशासन एकाग्रता एकता दिखने को बहुत मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के 10 MP एक स्टेज पर थे और मिनिस्टर भी थे, सभी स्टेज पर थे। इसी तरह से कांग्रेस को भी एक फंक्शन करना पड़ेगा जिसके अंदर उसके तमाम लीडर एक ही मंच पर आए, जिससे जनता के अंदर विश्वास हो जाए कि ये भी पूर्ण रूप से हमारे हकों की रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ये आज की ये हमारी विशेष रिपोर्ट थी हरियाणा के प्रति। हम आपको आगे और सब चीज़ें बताते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।